ये धो दी हमने गाड़ी भी। ये देखो हाईवे पे खड़े होके खाना खाने का मजा ही अलग है। वेलकम बैक टू स्वीटी कौशिक व्लॉग्स। आई होप यू ऑल आर वेरी वेल और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और फ्रेंड्स मैं तो ठंड बढ़िया एंजॉय कर रही हूँ, बस और तो कुछ एंजॉय नहीं कर रही, बस खाना अच्छा अच्छा मिल जाता है इस टाइम पे ठंड में। और मैं खा रही हूँ गाजर का हलवा और मेरे साथ है गर्मा गर्म दूध। ठीक है भाई, इस टाइम पे टेम्परेचर इतना लो है तो खाने पीने की चीज़ें तो अच्छी मिल रही हैं ठंड में। सबसे बढ़िया बात मेरे को ठंड की सिर्फ एक यही लगती है, आराम से अपना कंबल में रजाई में बैठे रहो और खाने पीने की अच्छी अच्छी डिशेस मिलती हैं, बहुत सारे ऑप्शन होते हैं ना इस टाइम खाने के। और मेरी मम्मी आज बनाएगी, क्या बनाओगे मम्मी? बाजरे की खिचड़ी। बाजरे की खिचड़ी बनाएगी आज मेरी मम्मी और मुझे तो वो बड़ी पसंद होती है। ओ देख लो भाई, आज मेरी मम्मी ना नया सूट पहन के खुश हो रही है। दिखाना मम्मी अपना सूट, ये देख लो आज मेरी मम्मी ने नया सूट पहना और नया सूट पहन के खुश हो रही है। रुको मैं बैक कैमरा करके दिखाती हूँ, नहीं ऐसे दिखा देती हूँ। करो मम्मी। हेलो, कैसे हो आप सब? ठंड में स्वीटी की तरह मौज लो मौज लो रोज लो मौज लो और गाजर का हलवा खाओ मस्त बैठे। हाँ। रहो मतलब मैं बैठे बैठे थोड़ी, देख लो भाई किस किस की मम्मी ऐसे टांग खिंचाई करती है। बनाया सब कुछ किया और उसके बाद भी मेरी मम्मी मेरे को बोल रही है बैठे बैठे खा रही है, ये देख लो भाई। और पता है एक चीज बताओगे मेरे को, किस किस की मम्मी मेरी मम्मी की तरह टांग खिंचाई करती है। जब मैं हलवा बना रही थी ना उस टाइम पे मैंने बोला था ये मैंने रख लिया गैस पे एक कुकर, तो उस टाइम पे पता है मेरी मम्मी पीछे से क्या कमेंट कर रही है, कुकर तो कोई एक ही रखेगा। मतलब ऐसे मेरी टांग खिंचाई करती है। और अभी भी जब मैंने ब्लॉग स्टार्ट किया ना तो उस टाइम पे मैंने बोल दिया टेम्परेचर बहुत हाई है, पीछे से कमेंट कर रही है हाई का है लो है, मतलब ये ना बस बहुत मेरी टांग खिंचाई करती है, बस मैं क्या बताऊं। और ये देख लो फिर से कुछ ना कुछ कह रही है। एक तो भाई हम नए नए यूट्यूबर हैं, ऊपर से कोई मेरी इतनी टांग खींचेगा तो ये मुझे बस मैं क्या बताऊं, बस मुझे रोना आ रहा है और मैं अपने आंसू दिखा नहीं सकती इसलिए मैं हलवा खा के वो कर लेती हूँ। और आज शाम को मेरी मम्मी गाजर की खिचड़ी, हे भगवान गाजर की नहीं बाजरे की खिचड़ी बनाएंगी, गाजर का तो हलवा होता है, बाजरे की खिचड़ी बनाएंगी। और भाई मुझे तो बहुत पसंद आती है वो खिचड़ी और आज वो भी शेयर करूंगी मैं आपके साथ। जब तक मेरी तरफ से हलवा खाओ। अभी तक तो मैं हलवा और दूध पी रही थी ना और अभी हमारा इंस्टेंट प्रोग्राम बन गया मार्केट जाने का। और वो कहाँ मार्केट जा रहे हैं तो वहाँ का भी अब मैं आगे बताऊंगी आपको, फिलहाल अभी मैं हो रही हूँ लेट तो फटाफट मैं जाती हूँ क्योंकि बाहर सब मेरा वेट कर रहे हैं। वहाँ चले जाऊँ उसके बाद मैं सारा आपको बताऊंगी कहाँ जा रही हूँ मार्केट में और क्या करने जा रही हूँ, सब कुछ दिखाऊंगी। फिलहाल तो शॉपिंग करने ही जाऊँगी तो फटाफट मैं मेरा बैग लेके भागती हूँ, मेरे को शूज़ पहनने हैं, मैं सबसे लेट हूँ और मेरे को डांट सुनने को भी मिल सकती है। ठीक जल्दी मैंने मैं ना शूज़ भी विदाउट शू लेसेस ओपन किए पहन रही हूँ। भाई साहब इतना सारा लोड मेरे ऊपर, अरे भाई आ जा। देखो हॉर्न बजा रहे नीचे, मैं लेट हूँ और क्या करना है, लास्ट में यही रहता घर में कुछ भूल ना जाऊँ। लाइट सारी ऑफ है, गीजर बंद है बंद है, अगर कोई हो गया ना कहीं कोई पंगा तो मेरी वाट लग जाएगी। तो बस सब कुछ करके अब मैं चलती हूँ क्योंकि मम्मी तो गई। हमेशा उनको यही रहता है कहीं मैं लॉक लगाना ना भूल जाऊँ। अभी मैं गई थी और अभी जाने के बाद मेरे को पता है वो आपके से डांट सुनने को मिली, सब मेरे को कह रहे थे ठंड हो रही है, इसके साथ साथ एक जैकेट और लेके आ। मैंने कहा भाई मोटे कपड़े हैं मेरे को नहीं लगेगी सर्दी, बट नहीं तो एक जैकेट और लेके आ। अब मैं फिर से एक जैकेट और लेने आई हूँ और कपड़ों की भी इनकी भी हालत ऐसी होगी, फिर से लॉक खोलना पड़ेगा जाना पड़ेगा और मतलब इतनी ऊपर तक स्टेयर्स से आना। भाई साहब लिफ्ट को पहले ही ऊपर बुला लेती हूँ वरना फिर से भागे भागे जाऊँगी मैं स्टेयर्स से, हालत ऐसी हो रही है। वैसे तो बस रख लूंगी, पहनूंगी तो नहीं, सिर्फ रख लेती हूँ ये
अगर जरूरत हुई तो पहन लूंगी। इस बार बहुत मोटे वाली जैकेट ले ली मैंने, जरूरत हुई तो पहन लूंगी वरना रखी है। वैसे मेरे को लग तो नहीं रही थी है, फिर भी मैंने ले ली। और मतलब जल चल गए, अब हो गया मेरा कंप्लीट। एक जैकेट भी ले ली मैंने और अब चलते हैं। अब ये तो नहीं बोलेंगे कैप नहीं है, बट कैप मैंने मम्मी को दे दी, कैप उनके बैग में है। अब मैं कंप्लीट रेडी हूँ और मैं सोच रही थी वैसे, और ये पहनने के बाद तो जरूरत भी नहीं है शायद मेरे को किसी और चीज की। मार्केट में हो जाता है ठंड लगती है, अंदर सारी शॉप्स बंद होती है ना, तो इसलिए ठंड लगती है। चलो मैं साथ साथ बता भी देती हूँ हम कहाँ जा रहे हैं मार्केट में। आज हम जा रहे हैं पानीपत, वहां के आपने सुना होगा ना जो वूलन के होते हैं ब्लैंकेट्स होती है, बेडशीट्स वगैरह बहुत फेमस है, तो हम वहीं से लेने जा रहे हैं क्योंकि हमें बल्क में लेना था सब कुछ, तो इसलिए हमने सोचा हम वहीं चलते हैं लेने। अब हम पहुंच गए पानीपत मार्केट में। अब मैं इतने सारे कंबलों के बीच में ही खड़ी हुई और सारे में कंबल ही कंबल भरे हैं। ये देखो ये सारे कंबल ही कंबल भरे हैं भैया। लेकिन यहाँ क्या है, मतलब जितने भी ब्लैंकेट्स है ना सारे अकॉर्डिंग टू वेट है, मतलब 320 पर केजी, मतलब ये वेट के अकॉर्डिंग दे रहे हैं। हाँ हमने अभी स्टार्ट किया था ना देखना, तो सबसे पहले हम इसी शॉप पे आए हैं क्योंकि एक दो शॉप्स पे ट्राई कर लेना चाहिए ना कुछ भी लेते टाइम। हमने इस वाली शॉप से लिए हैं ब्लैंकेट कवर, बेडशीट और ब्लैंकेट्स वगैरह, हमने बहुत सारा सामान ले लिया इस वाली शॉप से भी। अभी ये सारे अलग अलग प्रिंट है इसमें। यहाँ हम ना पूरे गोडाउन में आ गए और यहाँ से ले रहे हैं अब हम ही पूरे ब्लैंकेट्स। ये वाला उन दोनों से अलग है कलर। आज का हमारा एंजॉय देखो, कढ़ी चावल के साथ। हम घर से अपना खाना पैक करके लाए थे कढ़ी चावल और यहाँ खा रहे हैं आज हम रोड पे। देखो हाईवे पे खड़े होके खाना खाने का मजा ही अलग है। कढ़ी चावल और घर का खाना जब बाहर खाए वो तो भाई अलग ही होता है। बाहर खाने का मजा ही अलग है भाई, और खुले में खाने का। और पता है हमने पता क्या किया, गाड़ी की तो हालत देखो ऐसी होगी, और वहां ना बाहर वहां कोई अमरूद वाले भैया बैठे थे, उनसे हमने उनका ये टोकरा मांगा और इसमें रख के, और फिर हमने सब कुछ सर्व किया और फिर खा रहा है गाड़ी पे बोनट पे रख के। वाह भाई, अब मैं खा लूँ उसके बाद आगे बताते हैं कैसा मजा आया हमें। ये देखो ऐसी हालत हो गई गाड़ी की, बट अब इतना दिखाई नहीं दे रहा, साफ कर दिया। और सच में बाहर खा के बड़ा मजा आया, और ये भी बताते हैं हमने अंदर बैठ के क्यों नहीं खाया। अंदर देखो गाड़ी की हालत है कुछ ऐसी, तो इसलिए जगह नहीं थी, तो हमने सोचा क्यों ना आज रोड पे भी थोड़ा सा इंजॉय किया जाए, और सही में बड़ा मजा आया। और एक सेकंड टॉर्च ऑन कर लूं। और बाहर जाके जब हम घर का खाना खाते हैं ना, सच में उसका तो लेवल ही अलग होता है टेस्ट का। और सेम ऐसा ही आज हमारे साथ था, पर बहुत अच्छी मजेदार हवा चल रही। ये धो दी हमने गाड़ी भी, शिकायत का कोई मौका नहीं देंगे। मजा आ गया मौसी चावल खा के, थैंक यू। मेरा हमारा इतना सारा सामान, और अब पहुंचे हैं हम घर। ये वो लिफ्ट में घर आके तो गई, ये थारा घर है। हाँ अभी लिफ्ट में, घर भी नहीं पहुंचे अभी, तो मौसी के घर आए हैं पहले। शाम एक घर गेट खुलवा लो। अब सबसे पहले हम गर्मा गर्म चाय से अपनी थकान उतारेंगे, बहुत थके हुए हैं। आज तो मम्मी ने अपना प्रॉमिस भी पूरा कर दिया। ये देखो बाजरे की खिचड़ी बना ली, और साइड में मम्मी बना रही है गोजी। और ये कैसे बनती है वो भी बताती हूँ मैं आपको।
लस्सी में कच्चा दूध डाल के और फिर उसे मिक्स कर लो अच्छे से, उससे क्या है वो हैंड ब्लेंडर से, और फिर बन जाती है गोजी। और बाजरे की खिचड़ी के साथ यही खाई जाती है। देखो कैसे होती है बाजरे की खिचड़ी, जिसने नहीं देखी, ऐसे होती है। बैक कैमरे से भी दिखाती हूँ अच्छे से। ये देखो ऐसी होती है बाजरे की खिचड़ी। अभी अच्छे से बनी नहीं है ये, बस बनने वाली है थोड़ी देर में। अभी ये थोड़ी थोड़ी सी ऐसी है ना, पतली पतली सी, थोड़ी देर में टाइट हो जाएगी ना बिल्कुल, उसके बाद ये बन के तैयार हो जाएगी। और भाई जो इसका टेस्ट लगता है ना, वाह लाजवाब। और अब तैयार है मेरी ये बाजरे की खिचड़ी, और इसे हम खाते हैं खूब सारे घी के साथ। गर्मा गर्म बाजरे की खिचड़ी और घी।